भाई सोरेन को जो वहाँ से एक तरह से झटका दिया गया है उससे हम लोग भी दुखी हैं। जनतंत्र में जमहूरियत में ऐसा नहीं होता है कि किसी को इज्जत दिया जाए और कान पकड़ के निकाल दिया जाए, तो उनके साथ यही हुआ है। ये बात सही है कि चंपई सोरेन को उन्होंने दिया था तो शायद यही समझ के दिया होगा कि आदमी करने वाले कुछ नहीं है, जो मन में आएगा वही हम करेंगे। और चंपई सोरेन 8-7 महीना रहे, अच्छा काम करके झारखंड में दिखला दिए और हेमंत सोरेन के पग चिन्हों पर चल रहे थे। कहीं से ऐसा नहीं लग रहा था कि उस पार्टी के अगेंस्ट में कोई बात कर रहे हों। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। चंपई सोरेन को जो वहाँ से एक तरह से झटका दिया गया है उससे हम लोग भी दुखी हैं। जनतंत्र में जमहूरियत में ऐसा नहीं होता है कि किसी को इज्जत दिया जाए और कान पकड़ के निकाल दिया जाए, तो उनके साथ यही हुआ है। ये बात सही है कि चंपई सोरेन को उन्होंने दिया था तो शायद यही समझ के दिया होगा कि आदमी करने वाले कुछ नहीं है, जो मन में आएगा वही हम करेंगे। और चंपई सोरेन 8-7 महीना रहे, अच्छा काम करके झारखंड में दिखला दिए और हेमंत सोरेन के पग चिन्हों पर चल रहे थे। कहीं से ऐसा नहीं लग रहा था कि उस पार्टी के अगेंस्ट में कोई बात कर रहे हों। और ठीक है, जब हेमंत सोरेन को मिल गया जमानत के बाद आए तो एक प्रक्रिया होती है हटने हटाने की, उस प्रक्रिया को अपनाना चाहिए था। या तो वो कहते कि भाई साहब हमने आपको बनाया है, अब हम आ गए हैं तो आप इस्तीफा दे दीजिए, तो वो भी नहीं किया गया। तो आते ही आते उनके जितने भी कार्यक्रम थे सब कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। और उस समय मुख्यमंत्री नहीं बने थे हेमंत सोरेन, उसके बावजूद भी पदाधिकारियों से कहा कि बंद कर दिया और फिर लेजिस्लेचर पार्टी की बैठक में बुला करके ज़बरदस्ती उनसे इस्तीफा लिया गया और अपने मुख्यमंत्री बन गए। ये घटनाक्रम ऐसा लगता है कि किसी को मान मर्यादा दे करके उसको फिर अमर्यादित करें, ये उचित नहीं है। ऐसी परिस्थिति में और चंपई सोरेन अगर कुछ बोलते हैं कि हमको ठेस लगी है, अब हमारे सामने क्या विकल्प है, तो वो तो उन पर निर्भर है। लेकिन जो प्रक्रियाएं हुई है उससे हम भी दुखी हैं और चाहते हैं, सोचते हैं कि जमहूरियत में ऐसा नहीं होना चाहिए। सर एक लास्ट क्वेश्चन, सर ये चिराग पासवान UPSC के वैकेंसी निकली है सर, उसमें है कि बिना आरक्षण के निकाला गया, इस पर आपकी क्या राय है? हालांकि नहीं देखे हैं, बिना आरक्षण के कभी नहीं ऐसा निकल सकता है, अभी इस प्रकार की बात नहीं हुई है। अगर कोई कहता है तो एक गलत है, गलत फरमाता है। और विभाग से आरक्षण के नंबर जाते हैं, कितना नंबर है क्या है वो सब प्रकाशित हुआ होगा, न प्रकाशित हुआ है तो दोष है। लेकिन जो लोग अफवाह फैला रहे हैं कि आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है वो गलत है। अगर आरक्षण के खिलाफ और शेड्यूल कास्ट के खिलाफ की बात रहती नरेंद्र मोदी जी को, तो जीतन मांझी आप लोग जानते हैं कि बिहार में सबसे निकृष्ट कम्युनिटी का आदमी है, भैया मुसहर का है, उसको एक सांसद होने के बाद वहाँ मंत्रिमंडल में कैबिनेट का उन्होंने दर्जा दिया और कैबिनेट का दर्जा देने के बाद विभाग भी जो दिया है, आप समझ सकते हैं बहुत बड़ा विभाग है, जो उनका विजन का विभाग है। तो अगर नरेंद्र मोदी को शेड्यूल कास्ट के प्रति अगर किसी प्रकार की बात रहती तो जीतन मांझी को ये मर्यादित नहीं करते। इसलिए सर एक सवाल, सर गोवंश से संबंधित सर एक छोटी सी सवाल है सर। सर ये कहना था कि भारतीय अर्थव्यवस्था में गोवंश की उपयोगिता को देखते हुए और भारतीय समाज में जिस तरह से उपयोगिता है, तो उसके हिसाब से सर आप भारत सरकार से क्या मांग करेंगे कि गोवध